तो गाइस आज मैं आपको इस टाइप की डबल एक्सपोजर कॉन्सेप्ट की फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। आज का ये फोटो एडिटिंग ऑसम होने के साथ साथ बहुत ही आसान भी होने वाला है। सो गाइस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। तो चले गाइस बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो फोटो को यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है और शेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पिक्स आर्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो गाइस पिक्स आर्ट पर यहाँ पर इनपुट कर चुकी हूँ और यहाँ पर इनपुट भी हो चुकी है। तो यहाँ पर ओपन करके सबसे पहले आपको यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना है। तो गाइस ये रहा टूल्स का ऑप्शन, पहले आपको टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एडजस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर एडजस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके पहले आपको जो ब्राइटनेस की जो अमाउंट को आपको हल्का सा इंक्रीज करना है, इंक्रीज करके आपको 80 के आसपास रखना है। और सैचुरेशन पर क्लिक करके सैचुरेशन की अमाउंट को आपको हल्का सा डिक्रीज कर लेना है। तो डिक्रीज आपकी जो फेस की अकॉर्डिंग आप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 7 के आसपास रखता हूँ और यहाँ पर आपको इरेज पर क्लिक करना है। तो गाइस ये रहा इरेज का ऑप्शन, सिंपल आपको इरेज टूल पर क्लिक करना है और इरेज टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इन्वर्ट करके आपको रिस्टोर पर क्लिक करना है और हार्डनेस को 0 कर देना है। और यहाँ पर आपको साइज को भी कम करके आपको 30 के आसपास रखना है। एंड कैसे आपको इससे जूम करके आपको क्या करना है, फेस के ऊपर आपको इससे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करके आपको हल्का हल्का सा गोरा बना देना है। तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा स्किन को व्हाइट टोन में ले आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे और क्या करना है। तो बहुत ही अच्छे से हल्का हल्का सा गोरा हो चुकी है। तो आपको भी इस तरह से करके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डन कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। तो गाइस अभी आपको फिर से आपको टूल्स पर क्लिक करना है और फिर से आपको एडजस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। और एडजस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सैचुरेशन पर क्लिक करना है। सैचुरेशन की जो अमाउंट को फिर से आपको डाउन करके आपको फुल्ली 100 कर देना है। इस बार आपको फुल्ली 100 कर देना है, -100 कर देना है। 100 करके आपको ब्लैक एंड व्हाइट बना देना है। और फिर से आपको इरेज टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इरेज की जो अमाउंट को रखना है आपको 90 के आसपास। तो यहाँ पर मैं 90 के आसपास रखता हूँ। तो साइज को आपको रखना है 30 के आसपास। तो यहाँ पर मैं 34 रखता हूँ। एंड कैसे आपको इससे जूम करना है, जूम करके आपको स्किन से हटा देना है इससे से। तो यहाँ पर मैं जल्दी से हटा देता हूँ। तो गाइस बॉडी से यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को हटाने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो डन करके बैक चलना है। तो गाइस आपको फिर से आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो डन करके आपको बैक जाना है, तो क्या करना है, आपको फिर से आपको यहाँ पर ऐड फोटो चलना है। तो गाइस ये रहा ऐड फोटो का ऑप्शन, सिंपली आपको ऐड फोटो क्लिक करना है। ऐड फोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको एक शैडो का पीएनजी मिलेगा। तो मैं जो भी पीएनजी वगैरह यूज करूंगा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको इस तरह से रोटेट कर लेना है। रोटेट करके आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर लेना है। तो गाइस ये रहा ब्लेंड मोड, सिंपल आपको ब्लेंड मोड को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके आपको इस तरह से बड़ा करके आपको एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से बड़ा करके आपको यहाँ पर डन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। तो डन करके बैक चलना है। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, फिर से आपको ऐड फोटो चलना है। ऐड फोटो जा करके वही पीक को आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको ये फास्ट पीक को आपको ऐड कर देना है। तो वही फोटो को यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे आपको एडजस्ट करना है, सिंपल आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है और ओपेसिटी को डाउन कर देना है। आपको रखना है यहाँ पर, आपको रखना है 50 के आसपास रखना है। एंड कैसा क्वेश्चन से बड़ा करके आपको राइट इधर आपको इससे एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करके आपको हल्का सा बड़ा करके आपको इस तरह से राइट इधर आपको रख लेना है। एंड कैसे अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको इरेज करके एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देना है। तो यहाँ पर इरेज पर क्लिक करता हूँ। इरेज की जो अमाउंट को कैसे आपको एडजस्ट करना है, इस तरह से हार्डनेस को 0 कर देना है और यहाँ पर आपको साइज को रखना है, साइज को रखना है आपको 50 के आसपास रखना है। एंड कैसे आपको नीचे इधर आपको पहले आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से इरेज कर लेना है। उसके बाद आपको साइड तरफ इस तरह से इरेज कर लेना है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको साइज को छोटा करके अभी आपको ठीक से आपको इरेज कर लेना है। तो हार्डनेस को भी थोड़ा प्लस कर देना है। उसके बाद आपको इरेज करके ये बॉडी से हटा देना है। तो फास्ट मॉडल की जो बॉडी से इस तरह से हटा देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से हटा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर इरेज कर चुकी हूँ। अभी आपको यहाँ पर डन करके बैक जाना है। तो बैक जाना तो क्या करना है, यहाँ पर जो ओपेसिटी मिलता है ओपेसिटी को थोड़ा सा प्लस करना है। तो प्लस आपको कितना रखना है, आपको प्लस रखना है आपको 17 के आसपास रखना है। एंड गाइस आपको यहाँ पर डन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं डन करके बैक चलता हूँ। बैक जाना तो क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको एडफोर्ड चलना है। एडफोर्ड जा करके यहाँ पर आपको एक कैमरा का पेंज मिलेगा। तो कैमरा पेंज को पहले आपको ऐड करना है। तो ये पेंज को इस तरह से बड़ा कर लेना है। इस तरह से बड़ा करके आपको फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करके आपको ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर लेना है। स्किन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो डन करके फिर से आपको एयरपोर्ट चलना है। एयरपोर्ट जा करके यहाँ पर आपको एक कलर का पेंज मिलेगा, सॉरी लाइट पेंज मिलेगा। तो ये लाइट पेंज को ऐड करना है। तो सिंपल आपको इस तरह से रोटेट कर लेना है। पहले आपको इस तरह से रोटेट करके आपको इस तरह से राइट की तरह आपको ये दोनों लाइट पेंज आपको इस तरह से रख लेना है। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करके यहाँ पर भी आपको ब्लेंड मोड को स्किन कर लेना है। तो ब्लेंड मोड को यहाँ पर पहले मैं स्किन कर देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस बहुत ही ऑसम लग रहा है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। तो गाइस अभी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आपको कलर कर्सन करना है। तो ये इमेज को पहले आपको सेव कर देना है, उसके बाद लाइटों पर इनपुट कर देना है कलर कर्सन के लिए।
तो गैस यहाँ पर मैं लाइट रूम पर पिक को इनपुट कर चुकी हूँ, लेकिन गैस अभी आपको एक प्रीसेट को डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। तो क्या करना है, ये प्रीसेट को डाउनलोड करना है। तो सिंपल आपको ये प्रीसेट को डाउनलोड करके लाइट रूम पर इनपुट कर देना है, और गैस यहाँ पर आपको ओपन करके यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। तो 3 डॉट पर क्लियर आपको कॉपी सेटिंग कर देना है, तो कॉपी सेटिंग करता हूँ और यहाँ पर राइट पर क्लियर आपको ओरिजिनल फोटो को ओपन कर देना है जो आपने पिक्सआर्ट पर एडिट किया था, उसी पिक को यहाँ पर ओपन करके आपको 3 डॉट पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट सेटिंग कर देना है। तो गैस यहाँ पर देख सकते हो, एक क्लिक में हमारी फोटो एडिटिंग हो चुकी है। तो ऐसा ही करके प्रीसेट को अप्लाई कर देना है, एक क्लिक में ही हमारी जो फोटो तैयार हो जाएगा। तो गैस आई होप आपको इस टाइप की एडिटिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।